हिना से शान साहिबा, नूरीन साहिबा, इनकी बेटियां, इनके हस्बैंड यहां पर हाथ बटा रहे हैं। या वो इधर या हम इधर, फिर मुझे कहते हो गरजती क्यों है, फिर गरजना पड़ता है। वो तस्वीर में अल्लाह हुआ, मैंने रोक दिया, मैंने रोक के बोला है। पसीने आ गए हैं, वो आने ही थे। अब मेहनत करेंगे तो उसका फल भी तो मिलना है ना। कितने कारकुनान के लिए पराठे बनाती हैं आप? 500 लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 250 से शुरू किया था माशाल्लाह। बड़ी डिसेंट फैमिली है, मॉडर्न फैमिली है। ऐसी फैमिली से घरों में नौकर रखे होते हैं, घर भी काम मुश्किल से करें। अभी भी घर में नौकर है अल्हम्दुलिल्लाह, खुद यहाँ पर आके काम करें, यहाँ पर आके काम करें, क्योंकि इसमें अपनी मोहब्बत शामिल करनी है। अपने भाइयों को शो नहीं कराना कि वो परदेश में है, वो दूर है अपने घरों से। मुझे सिर्फ इतना बता, मैदा हम लेके वो खुद मिक्स करते हैं अपनी व्हीट से। हम आप अभी अंडे वगैरह तोड़े थे, घर में भी आपके कह रहे बस मूड हो तो काम कर लेते हैं। हमारी जो है वो पराठे संभाले हुए हैं, और हमने जो जेंट सेक्शन है इसने चाय और ऑमलेट संभाला हुआ है। सर बेहतरीन है, ये वाला क्या कह रही है? मैंने कहा ये दोनों आइटम इन्हीं को पसंद, उनको पसंद है ना, और ऑमलेट भी। वही ना, धुएं वाली साइड पे आपको लगाया, वहाँ पे जरा नॉर्मल है, वहाँ पे वो जरा हल्का फुल्का काम कर सकते हैं ना, उनको भी हमने आसान किया हुआ। मैं कहा चलें रमजान है, क्या तंग करना इनको भी। जमान पार्क में इस वक्त मौजूद है, एक ऐसी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हर मुहाज पे आपको लड़ती नजर आएगी, लिबर्टी हो, डी चौक हो, 25 मई हो, 18 मार्च हो, कहीं पर भी हो, हर मुहाज पे नजर आएगी। लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो पीछे नहीं है। जमान पार्क में आए जितने भी कारकुनान हैं उनके लिए सहरी का इंतजाम कर रही हैं। हिना से शान साहिबा, नूरीन साहिबा, इनकी बेटियां, इनके हस्बैंड यहां पर हाथ बटा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी आप लिबर्टी मिलती हैं, कभी इस्लामाबाद मिलती हैं, जगह जगह मिलती हैं। आप जमान पार्क में सब पराठे बना रही हैं, घर भी बनाती हैं ये सब यहीं पर? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाते हैं, तो ये फिर यहाँ पर आकर तो अपने भाइयों के लिए बनाने वाले हुए हैं, वरना गोल पराठे ऐसे नज़र आते हैं आपको। ये बात है, हमेशा गरजती नज़र आई हैं। अभी इस वक्त बड़ी ठंडी है, ठंडी होकर काम कर रही हैं। अच्छा, तस्बीहान का महीना है और तस्बीह हाथ में है बेटा। सही है, कब से अमल कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन हो गए हम लोग को, 6 साल हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। पसीने आ गए हैं, वो आने ही थे। अब मेहनत करेंगे तो उसका फल भी तो मिलना है ना। कितने कारकुनान के लिए पराठे बनाती हैं आप? 500 लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 250 से शुरू किया था माशाल्लाह। बड़ी डिसेंट फैमिली है, मॉडर्न फैमिली है। ऐसी फैमिली से घरों में नौकर रखे होते हैं, घर भी काम मुश्किल से करें। अभी भी घर में नौकर है अल्हम्दुलिल्लाह, खुद यहाँ पर आके काम करें, यहाँ पर आके काम करें, क्योंकि इसमें अपनी मोहब्बत शामिल करनी है। अपने भाइयों को शो नहीं कराना कि वो परदेश में है, वो दूर है अपने घरों से। आपका ताल्लुक भी लाहौर से ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक लाहौर से तो नहीं है, शादी होकर लाहौर आई हूँ। अच्छा, और आप समझे कि शादी के बाद से कश्मीर की लग रही है? नहीं, पठान हूँ और डेरा इस्माइल खान से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। अमीन गंडापुर के इलाके से हूँ, अली बेचारे जेल में है इस वक्त। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला मेरे भाई को वापस लेकर आए खैर वाफियत से अपनी फैमिली के पास। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे। खाने में साथ दिया क्या जाता है? वहाँ पर कैंप्स में बिठाते हैं, और वहाँ पर तरीके से, क्योंकि हम लोग पीडीएम वाला शो नहीं कराना चाहते कि पीडीएम में जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हाथापाई हो रही होती है, वो नहीं चाहते कि उस तरीके से हो। अच्छा, ये वाहिद कैंप है जिसके पीछे कोई फ्लैक्स नहीं लगी हुई कि फलाना नुमाइंदा पी पी फलां। टिकट के लिए तो नहीं ना, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रब से जो है वो इस चीज़ का अजर चाहिए, और किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर खान की मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचे, और खान के जो हमारे टाइगर्स यहाँ पर आए हुए हैं, इतने ज़्यादा टाइगर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो उनको हम खिलाने के लिए यहाँ पर हैं, और हमारा कोई मतलब ना पीपी ना कुछ भी नहीं। फैमिली का कौन कौन सा आपका पर्सन यहाँ पे मौजूद है? मेरी दोनों बेटियाँ मौजूद हैं, माशाल्लाह बेटा मौजूद है, मेरा हस्बैंड मौजूद है, मेरे बहन मौजूद है, उनके हस्बैंड मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं माशाल्लाह। बाकी भी हमारे सारे के सारे वॉलंटियर जितने हमारी। आपके हस्बैंड नजर आ रहे हैं, अंडे तोड़ रहे थे, घर में भी करते हैं काम? घर में करते हैं, लेकिन अपने मूड के हिसाब से यहाँ पर करना पड़ रहा है उनको। ऑब्वियसली कारकुनान को कुछ भी तो रखना है ना, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। आगे चल के बात करते हैं, नूरीन साहिबा भी यहाँ बैठी हैं, इनकी बेटी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप थोड़ा सा आगे आइएगा। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े गोल पराठे बना रही थी, प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है? जी जी बिल्कुल, देखेंगे ये तो एक बेसिक चोर आई थी, एवरीबॉडी शुड नो इट। अच्छा, आप भी बड़े गरजती नजर आती थी लिबर्टी में, अब एक साल हो गया, जरा हालात नॉर्मल हुए हैं, अपने जज्बात थोड़े कंट्रोल हुए हैं, या अभी भी वही गुस्सा और वो खान को निकालने का? नहीं, अभी जज्बात तो नॉर्मल नहीं हुए, वो ठंडे तब भी होंगे जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह। नजर नहीं आ रहे, होने नहीं है ना? नहीं इंशाल्लाह होंगे, छोड़ेंगे। आइन की पासदारी का पीटीआई ने हल्फ उठाया हुआ, और इंशाल्लाह आइन के मुताबिक ही होंगे। 14 मई को देखते हैं क्या होता है। या वो इधर या हम इधर, फिर मुझे कहते हो गरजती क्यों है, फिर गरजना पड़ता है। वो तस्वीर में अल्लाह हुआ, मैंने रोक दिया, मैंने रोक के बोला है। और अल्लाह के अभी तो साथ चाहिए हर मंजिल पे, हर मकाम पे। जब हम अल्लाह का साथ चाहिए, उसकी हम लोगों को मोहब्बत हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुँचे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी अल्लाह ही बचाएगा। 14 मई को हो जाएंगे इलेक्शन इंशाल्लाह ताला। अगर ना हुए क्या करेंगे? रोड पे होंगे, ऑलरेडी रोड पे है, फिर और बाहर मैदान। अच्छा, वैसे ये जो इर्द गिर्द यहाँ पे जितने भी घर बार हैं,
वो भी आपसे कॉपरेट करते हैं? जी जी माशाल्लाह, अफ्तारी में सहरी में माशाल्लाह बहुत कॉपरेटिव हैं। उनके अपने घरों से पैक होके आता है खाना। पता चला कि बिस्तर खुद दिए हैं उन्होंने? जी जी बिल्कुल, बिस्तर भी दिए हैं, पानी का इंतजाम आप देख लें वजू के लिए भी और बाकी वाशरूम्स वगैरह, क्योंकि ये तो जरूरियात जिंदगी है बच्चे, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जाहिर सी बात है रमजान का महीना है, पाकी साफी भी तो मुसलमान का हक है, और इसलिए यहाँ पानी भी है, यहाँ पर खाना पीना भी है। आप देखें इन्होंने लंगर बंद किए थे, अब देख लें जमान पार्क में कितने लंगर खुले हुए हैं। बस इसका मुझे जवाब दे देते हैं मुर्शद खाना बन गया हुआ है। मुर्शद खाना बिल्कुल बन गया और जिंदा जिंदा मुर्शद का ये जो है वो जगह है और ये डेरा बन चुका है। अल्लाह पाक उनको हमेशा हयात रखे। आमीन। आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े ठंडे हुए हैं इस वक्त, हालात कंट्रोल में है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आप अभी इनको कह रहे थे कि इलेक्शन इलेक्शन का पूछ रहे थे, मेरी बात सुने। अगर ध्यान पराठे पे भी है, अगर इलेक्शन ना हुए ना तो इनको नाहल कर देंगे हम लोग अवाम। आपके बिजली को उड़ा दिया उन्होंने, इलेक्शन होंगे, आपके आपके पीएम को उड़ा दिया है, आपके पीएम को उड़ा दिया ना उन्होंने। मेरी बात सुने, उड़ा दें क्या क्या करेंगे? ये भी तो हमने, उनका अगला टारगेट गिलगित बल्तिस्तान है। वो सूबे हमने तहलील किए ना, तो उन लोगों ने अपनी मानिया की, तो कितनी देर? दो सूबे सुमीर से किए थे इलेक्शन हो जाएंगे, दो सूबे। कितनी देर आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? मेरी बात सुने, हम बैठे हैं, अब ये टक्कर का मुकाबला है, अब देखते हैं कि इनकी जिद जीती है कि हम आवाम की जिद जीती है। आवाम की जिद है खान साहब को वजीर आज़म बनाना, ठीक है, इनकी जिद है इमरान खान को दीवार से लगाना, अब देखते हैं जीतते कौन है। हमेशा जीत हक और सच की होती है इंशाल्लाह। पराठे सही बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आटा सही है? आटा बहुत अच्छा है। वो वाला आटा नहीं है जो इन लोगों ने आवाम को फकीर बनाया हुआ है, खुद तो भिकारी थे, आवाम को भी बना दिया। बस इनके पास बड़े कशकोल हैं और आवाम को छोटे छोटे दे दिए, तो हम उस तरह नहीं कर रहे। हम लोग वहाँ इज्जत से बिठा के अपने बहन भाइयों को बड़ी इज्जत से खाना सैरी कराते हैं। ये आप मुझे सिर्फ इतना बता, हम लेके वो खुद मिक्स करते हैं अपनी व्हीट से। हम अभी अंडे वगैरह तोड़े थे घर में भी, आपके कह रहे बस मूड हो तो काम कर लेते हैं। हमारी जो है तो पराठे संभाले हुए हैं और हमने जो जेंट्स सेक्शन है इसने चाय और ऑमलेट संभाला हुआ है। सर बेहतरीन है, ये वाला क्या कह रही है? मैंने कहा ये दोनों आइटम इन्हीं को पसंद, उनको पसंद है और ऑमलेट भी। वही ना, तो धुएं वाली साइड पे आपको लगाया, वहाँ पे जरा नॉर्मल है, वहाँ पे वो जरा हल्का फुल्का काम कर सकते हैं ना, उनको भी हमने आसान किया हुआ। मैं कहा चलें रमजान है, क्या तंग करना इनको भी। मेरी ये बड़ी खूबसूरत फैमिली है और जमान पार्क बड़ा खूबसूरत समा। अल्लाह ने कहा था, एक सवाल किया था उसने कि या तो ये खान रहेगा या हम रहेंगे, तो हम लोगों ने साबित करना है अब कौन रहेगा। कि हम भी हैं, पराठे भी हैं। पर नहीं नहीं, हमने साबित करना है कौन रहेगा, क्योंकि अब हम साबित करने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन नहीं ना कराते तो इंशाल्लाह इनको नाहल कराएंगे और इनको बताएंगे कौन रहेगा। आवाम रहेगी, ये भागेंगे सब बगौड़े यहाँ से, क्योंकि ये इनका मुल्क नहीं है, मुल्क हमारा है। खान साहब एक साल से सड़कों पर है, दोबारा सड़कों पर आएंगे, कोई रिजल्ट सामने आएगा भी? सुने खान साहब ने कहा था कि मैं अगर हुकूमत के अंदर हूँ ना तो आपका ही फायदा है, अगर हुकूमत से बाहर निकला तो खतरनाक हो जाऊँ। तो उन्होंने वो एक डायरी लेके निकला था, आज पूरी आवाम उसके पीछे है। तो इसका क्या, इसका क्या है, आप क्या देख रहे हैं? आप देख, आपको नज़र आता है कि क्या हो रहा है? ये चीज़ आपको इलेक्शन वाले दिन नज़र आएगी कि एक डायरी लेके निकला था और हर सूबे पे उसका राज होगा इंशाल्लाह। चलें जी, आने वाला वक्त ही बताएगा क्या हालात होंगे। ले जी ये खूबसूरत फैमिली है जमान पार्क में, पिछले 7-8 दिन से रोज़ाना की बुनियाद पर 400-500 पराठे बनाकर ऑमलेट बना के, इनके हस्बैंड भी शामिल हैं, इनकी बेटियां भी शामिल हैं, इनकी बीवी भी शामिल है, और बड़े खूबसूरत एहसन एग्ज़ाम से लोगों में सहरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ख़ुद यहाँ पर आके अपने हाथों से बना के साफ़ और शफाफ तरीके से लोगों को साफ खाना खिला रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।